नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता रोबो चैंप्स 2019 का शुभारंभ किया गया। रोबो चैंप्स का शुभारंभ मुख्य अतिथि NIT राउरकेला उड़ीसा से प्रोफेसर डॉक्टर सिंघम जयंथ्यू, नेरॉन कंपनी के मुख्य तकनीकी अधिकारी देव कुमार, MIET चेयरमैन विष्णु शरण, वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल, डीन अकेडमिक डॉक्टर DK शर्मा, विभाग अध्यक्ष अमित कुमार आहूजा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता रोबो चैंप्स 2019 में देश भर से 5 IIT संस्थान, 14 NIT संस्थान और विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से लगभग 380 टीमों ने प्रतिभागी की। रोबो चैंप्स में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे रोबो वॉर, रोबो ड्रोन, एम्फीबोट, कॉडिंग एरेना, हैक्ट्रॉनिक्स, IoT बेस्ड हैक्थॉन, रोबो रेस, रोबो ट्रांसपो, रोबो सॉकेट, रिसोचेट, सिल्क रूट आदि प्रतियोगिता हुई। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में MIT में। मैं इस रोबो चैंप इवेंट का फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हूँ और हर्ष का विषय यह है कि हम लोग इस बार चौथी बार ये रोबो चैंप इवेंट करा रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय स्तर का रोबोटिक्स चैम्पियनशिप है और इसमें इस बार हम लोगों ने 12 प्रकार के इवेंट्स रखे हैं, जिसमें ड्रोन से रिलेटेड भी है, रोबोटिक्स से रिलेटेड भी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे भी चैम्पियनशिप है, रोबोटिक्स में रोबोट के रेसेस भी हैं, वॉर भी है और डिफरेंट टाइप के हर्डल्स को पार करते हुए एम्फीबोट रोबोट, तो विभिन्न प्रकार के रोबोट के से रिलेटेड कंपटीशन है जिसमें करीब 350 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया से, डिफरेंट बड़े कॉलेजेस और लोकल हमारे आसपास के कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हैं। कुछ हमें बाहर से इंटरनेशनल लेवल की टीम्स में ने भी अप्रोच किया, बट उनको हम इंक्लूड नहीं कर पाए क्योंकि हमारा जो इवेंट था वो नेशनल लेवल इवेंट था। इस प्रतियोगिता की खास बातें ये हैं कि इस प्रतियोगिता का एसोसिएशन IIT बॉम्बे और IIT रुड़की के साथ है और इस प्रतियोगिता का जो विजेता होगा वो वहाँ के प्री फाइनल में सीधा प्रवेश करेगा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सिंघम जयंथ्यू ने कहा कि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी ने त्वरित बदलाव के बदौलत हर दिन एक नया आविष्कार से हमारे जीवन स्तर को उन्नत से उन्नत बनाती जा रही है। जो आज हम उपयोग में ला रहे हैं वो कल पुराना हो जाता है। हमें सभी इंजीनियरों को ये ध्यान रखना है कि हम जो भी आविष्कार या इनोवेशन करते हैं उनका हमारे समाज पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इन इनोवेशन से समाज का कल्याण हो ऐसा सबको सोचना चाहिए। विभाग अध्यक्ष अमित कुमार आहूजा ने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स पर मनुष्य निर्भर होगा, लेकिन अगर रोबोट में भावना नहीं होगी तो वो एक अभिशाप भी साबित हो सकता है। रोबोट में भाव अनुभूति आदि नहीं होगी तो वो मनुष्य के लिए खतरनाक होगा और बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जागरूक कराया गया। प्रतियोगिता में एक से एक रोबोट ने दिल जीतने के साथ ही तकनीकी क्षेत्र में नई संभावनाओं को भी सामने रखा। देश भर से आए छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रोबो चैंप्स में IIT मुंबई टेक फेस्ट और IIT रुड़की कॉग्निजेंस की सहभागिता रही। विजेता टीम IIT मुंबई और IIT रुड़की के टेक फेस्ट और कॉग्निजेंस फेस्ट में सीधे सेमीफाइनल और फाइनल में हिस्सा ले सकेंगे। नमस्कार, मैं प्रतीक शर्मा, नेशनल लेवल इवेंट रोबो चैंप्स जो कि MIT में आयोजित होता है इसका हेड कोऑर्डिनेटर हूँ। इस इवेंट में इस बार खास बात यह है कि इसमें लगभग 12 इवेंट होने वाले हैं जिनमें कोडिंग, हैकाथॉन, हैकाट्रॉनिक्स, रोबो वॉर, रोबो सॉकर, एम्फीबॉट जैसे इवेंट हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के बॉट्स एक दूसरे से प्रतिबद्धता दिखाएंगे यहाँ और अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर। लगभग 350 टीम्स यहाँ पर टोटल आई हैं इस बार और जिसमें कुछ NITs और बाकी कॉलेजेस की टीम्स भी हैं। हमारे पास इस बार नंबर ऑफ प्रोफेशनल टीम्स भी अप्रोच कर रही है हमें इस इवेंट के लिए और अभी तक का इवेंट काफ़ी अच्छा रहा है। साथ साथ इस इवेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार IIT बॉम्बे टेक फेस्ट 2K20 में हमारा ये फाइनलिस्ट जाएंगे इस इवेंट के, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। साथ साथ IIT रुड़की का जो कॉग्निजेंस इवेंट होता है जिनका साल का नेशनल फेस्ट है उसके फाइनल्स में हमारे यहाँ से विनर्स जाएंगे और इस पूरे NCR रीजन में ये वन ऑफ द बिगेस्ट रोबोटिक्स इवेंट है। ये कब से कब तक चलेगा? ये 29 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। कितनी प्रतियोगिताएं होंगी इसमें? 12 कॉम्पिटिशन है जिनमें हर
29, 30 और 31 को एक एक राउंड तीनों कॉम्पिटिशन का होगा, 12 कॉम्पिटिशन का होगा। जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को लगभग, जीतने वाले को 1.5 लाख प्लस अमाउंट कैश मिलेगा। साथ साथ जो विनर्स होंगे वो कुछ कंपनीज में भी हायर हो सकते हैं। यहाँ पे चांसेस बार ये भी है कि आपको किसी कंपनी में इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट मिल सकता है अगर आप किसी भी इवेंट के विनर रहे हैं तो। टेक फेस्ट में फैकल्टी कोऑर्डिनेटर अरविंद कुमार पांडे, प्रमोद सिंह, नीरज जोशी, मोहिनी सिंह का सहयोग रहा। साथ ही स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर प्रतीक शर्मा, प्रज्वल सोम, नितिन श्रीवास्तव, आकाश अधिकारी, सृष्टि खोकर, सत्यम गर्ग, ऋषु चौधरी और प्रबलीन कौर आदि ने कार्यक्रम का संचालन किया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसी और खबरों को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।